अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे FBR की तरफ से कुछ फेक ईमेल्स टैक्स पेयर्स को मौसूल हो रही हैं जिनमें कुछ सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड की जाती हैं। अगर आप वो इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर दें तो आपका बैंक अकाउंट एट स्टेक चला जाता है, रिस्क पर चला जाता है और हो सकता है कि वहाँ से वो आपके पैसे निकाल लें। तो इस स्कैम से आप किस तरह बच सकते हैं, इस वीडियो में हम इस बार बात करेंगे। तो दोस्तों, FBR ने अपनी वेबसाइट पर एक डिस्क्लेमर इशू किया है और उसमें आगाह किया है टैक्स पेयर्स को कि अगर आपको किसी किस्म की ईमेल मौसूल हो FBR की तरफ से जिसमें आपको कहा गया हो कि आप के कुछ टैक्स रिफंड्स हैं जिनको आप अवेल करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, और जब आप क्लिक करते हैं तो फिर आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो इस तरह की कोई ईमेल FBR नहीं आपको भेजता कि आपके टैक्स रिफंड आप वसूल कर लें या फिर किसी और किस्म की इंफॉर्मेशन आपसे हासिल करने के लिए कोई ईमेल आपको नहीं भेजता, इससे आपने खबरदार रहना है। अगर कोई बंदा, कोई फ्रॉडुलेंट थीव्स आपको ईमेल भेजते हैं तो वो एक्चुअली आपकी सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बैंक अकाउंट्स लेना चाहते हैं और आपके बैंक को एक्सेस करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन से। फॉर एग्जांपल, वो आपसे आपका बैंक अकाउंट्स मांग सकते हैं, उसका अलावा आपकी अगर डिजिटल बैंकिंग है उसमें आपके पासवर्ड्स होंगे, पिन्स होंगे या आपके डेबिट कार्ड नंबर और उसके पीछे जो पिन दिया होता है, ये इंफॉर्मेशन आपसे हासिल करके आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। आपने जब आपको इस तरह की ईमेल मौसूल हो तो आपने फौरी तौर पर रिपोर्ट भी करना है और अपने आप को इस लिंक को क्लिक करने से भी बचाना है। इस टेक्निक को फिशिंग स्कैम कहते हैं। फिशिंग स्कैम में होता यह है कि जो फ्रॉडुलेंट बंदे हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो डिजिटली आपको आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और आपको जो ईमेल भेजते हैं वो इस तरह से भेजते हैं कि या वो आपके बैंक की तरफ से कहा जाता है, आपको ऐसे लगता है कि लेजिटिमेट वे है, जो भेजने वाला है वो ओरिजिनल बंदा है या इंस्टीट्यूशन है जो आपको ईमेल करके आपसे रिक्वायर कर रहा है आपकी इंफॉर्मेशन। तो उस ईमेल के अगेंस्ट जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो आपके अकाउंट्स तक एक्सेस करके आपको कंगाल कर देता है। ये फिशिंग स्कैमिंग है मॉडर्न एज की, मॉडर्न दौर की, और ये ऑनलाइन में ही यूज होती है। आपके आपको ईमेल के थ्रू एक्सेस किया जाता है, आपके आपको जो ईमेल भेजी जाती है उसमें एक लिंक दिया होता है, आपने उस लिंक को क्लिक करना होता है तो वो आपको एक ऐसी फेक वेबसाइट पर ले जाता है। फॉर एग्जांपल हम FBR की बात करें तो FBR की फेक वेबसाइट पर ले जाएगा और वहाँ पर आपसे इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा और आपको कुछ इंसेंटिव भी दिया जा सकता है। जैसे आपको कहा जाता है कि आपके टैक्स रिफंड्स हैं जो आप अगर बैंक अकाउंट प्रोवाइड करें तो आपको ऑनलाइन उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। फिर आप समझते हैं कि वाकई आपने टैक्स पे किया हुआ है, उसके कुछ रिफंड्स आ गए हैं, तो आप ईमेल में अपना डाटा प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि वो आपके अकाउंट तक एक्सेस करके आपको आपके अकाउंट को नील कर देते हैं। तो आपने रिपोर्ट किस तरह करना है, ये लिंक मैंने यहाँ पर भी दे दिया है और मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूंगा। आपने गूगल को भेजना है कि ये आपको फिशिंग ईमेल आई है और गूगल इसको बंद करे, तो वो फिर गूगल अपना तरीकाकार है उसको फॉलो करते हुए वो उसको प्रोसीड करेगा इस काम को। इसके अलावा आपने जो है पाकिस्तान में किस तरह कर सकते हैं रिपोर्ट इस बात को, फिशिंग को, तो यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है। इसको आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करके उनको बता सकते हैं।